नेक्स्ट पेरीसाइक्लिक इंट्रोडक्शन में सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या थी, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंटेशन था। इसमें कोई भी थर्मल कंडीशन और आपका फोटोकेमिकल कंडीशन में ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, और साथ में इसमें कोई रिएजेंट या सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें हम लोग ने चार प्रकार देखे थे। फर्स्ट टाइप था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सेकेंड इसका टाइप है सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन, और थर्ड साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, और फोर्थ सबसे लास्ट है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो हम लोग इसमें से एक एक पार्ट कर दे करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन हमने बताया है ना इसके पहले की क्लास में, इसमें हमने आपको बताया था कि ये दो तरह का मोशन हो सकता है, क्वार्क ऑर्बिटल डिसरोटेड की, और सिस्टम क्या है 4N और 4N+2π सिस्टम हो सकता है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में थर्मल और फोटोकेमिकल दो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन को समझने के लिए पी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मोट्रॉपिक कैसे प्रोसीड होता है, सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होती है। तो मोस्टली सिग्मोट्रॉपिक जो बॉन्ड का माइग्रेशन है एक फर्स्ट टर्मिनल से एडजेसेंट के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट होता है। मैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाती हूँ। CH यहाँ पे मान लीजिए कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का कोई रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इसमें इसमें जो सिग्मोट्रॉपिक बॉन्ड, जैसे सिग्मोट्रॉपिक बोला ना रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सिग्मोट्रॉपिक का मतलब है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का जो माइग्रेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन टर्मिनल जो भी किनारे का आपका पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल किनारे के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, किसी भी सिग्मोट्रॉपिक रिअरेंजमेंट दो पार्ट होते हैं। एक होता है एल्काइनिल चेन होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये माइग्रेटेड ग्रुप हो गया, ये माइग्रेटेड ग्रुप हो गया, ये घूमेगा, ठीक है, और ये रिंग चेन हो गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइनिल ग्रुप, ठीक है, एल्काइनिल चेन, ये एल्काइनिल चेन हो गई फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड जो पार्ट है वो माइग्रेटेड ग्रुप होगा, ठीक है, माइग्रेटेड ग्रुप, ठीक है, माइग्रेटेड, माइग्रेट मतलब समझ रहे हैं, घूमेगा, ठीक है, ऐसे समूह जो कि क्या अपना स्थान बदल देगा। तो माइग्रेटेड ग्रुप के रूप में ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, माइग्रेटेड ग्रुप हो जाएगा और ये चेन हो जाएगी, ठीक है, डाई इन सिग्मोट्रॉपिक, जो सिग्मोट्रॉपिक माइग्रेशन है इसका टर्मिनल ऑफ चेन है पाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की इस माइग्रेटेड चेन में आकर के इसकी जुड़ना यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा अब क्या उत्पाद बना लेगा, ये रिएक्शन होगी CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा, ये अपना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके ये अगली इस टर्मिनल पे पाई बॉन्ड पे क्या होगा, माइग्रेट हो जाएगा एडजेसेंट ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, CH2 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 R, ठीक है, ये ग्रुप इसके साथ ये पूरा ग्रुप जाएगा, एक दो एटम मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, क्या होगा, पूरे ग्रुप का माइग्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, माइग्रेटेड ग्रुप वर्ड बोला गया, ठीक है, माइग्रेटेड ग्रुप यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा उसके टर्मिनल पाई सिस्टम में, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इस जगह पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये दोनों के इस जगह पे आके चला गया, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया, तो CH2, ठीक है, दो वैलेंसी है, तीसरी वैलेंसी है ना, चौथी वैलेंसी, इस तरह से CH और CH2 के CH2 और ये आ गया, पूरा बैलेंस है, एक दो तीन चार पाँच हो गया, ठीक है, CH2 आ गया। इस प्रकार से ये क्या होगा, माइग्रेटेड ग्रुप यहाँ पे, इस तरह से ये मोस्ट बेसिक एग्जांपल है। तो समझ में आ रहा है इसमें, देखिए एक कॉमन एक मैंने रिएक्शन लिखी है, उसमें होता क्या है, मैकेनिज्म किस प्रकार से फॉर्म हुई है ये प्रदर्शित किया गया है। हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन थी, ये उत्पाद इस रिएक्टेंट से उत्पाद को बना दी, कैसे बन गया, ठीक है,
ठीक है, उसको मैंने आपको सिखाया है कि ये मैकेनिज्म यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें केवल क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड और पाई, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ है पाई बॉन्ड की जगह। ठीक है, की पॉइंट क्या है इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज्म का की पॉइंट है कि पाई बॉन्ड की तरह ये सिग्मा बॉन्ड का ग्रुप माइग्रेट हो गया, चला गया, कुछ भी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज क्या हुआ है, माइग्रेशन का चेंज हुआ है। तो ये इस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ध्यान रखिए इसको, है ना, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। तो कई सारे सिग्मा ट्रॉपिक रिएजमेंट हो सकते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जब बोलेंगे तो मंथली सिग्मा ट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, इसमें माइग्रेटेड ग्रीन का हमको नंबरिंग करना चाहिए कि हमारे पास माइग्रेटेड पोजीशन 1 से 6 में जा रहा है, 3 में जा रहा है तो 1-3 माइग्रेशन बोलेंगे, और अगर 1 से 5 में जा रहा है तो 1-5 माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है, 1-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है, 1-5 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है, 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है, कई सारे इसकी मैकेनिज्म के नेम हो जाते हैं। ठीक है, की पॉइंट था रिएक्शन मैकेनिज्म का कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन सिग्मा टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म द सिग्मा बॉन्ड माइग्रेटेड टू द टर्मिनल ऑफ द एंड एडजेसेंट पाई, इसके एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बगल के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास वो माइग्रेट होकर के सिग्मा बॉन्ड का समूह चला जाता है इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में। ठीक है, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये माइग्रेटेड ग्रुप कहलाएगा और ये एल्काइलेटेड चेन हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग माइग्रेटेड ग्रुप बोलेंगे क्योंकि ये घूम रहा है, किसके किस में आकर के जुड़ रहा है, इस वाले एल्काइलेटेड चेन में आके जुड़ रहा है। तो CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा CH, इसके बाद ये वाला CH यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड जोड़ करके जब फिर से इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो CH2CH2R बना देगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट पी बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यह माइग्रेटेड ग्रुप है। अब यहाँ पे ध्यान देना नंबरिंग ऑफ एल्किल रिंग क्या है, तो नंबरिंग ऑफ एल्किल रिंग आप देखिए कहाँ से ग्रुप हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये माइग्रेटेड ग्रुप का है तो इसको 1 बोलोगे, यहाँ देने जा रहा है तो 1 और ये 2, इसकी 1-2 की पोजिशन हो गई, यहाँ से नंबरिंग होगी तो ये 1-2 या ये 1 चेन हो गई पाई बॉन्ड के लिए, तो 1-2 और ये 3। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, एटम जो है हमारा तो किस पोजीशन पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, इसको 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक है, ये 2 ग्रुप एल्किल ऑफ ग्रुप रिंग है और 3 के माइग्रेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल होगा। बहुत सारे एग्जांपल